एंग्रो कॉरपोरेशन के ज़ैली इदारे एंग्रो फर्टिलाइजर्स ढहरकी में आपका खैर मकदम करते हैं। एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की अव्वलीन बुनियादी कदरों में हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट के साथ साथ अखलाकियात और दयानतदारी, इनफरादियत और खतरा मोल लेना, हमारे लोग, इलाके और माशरे की बेहतरी भी शामिल है। एंग्रो फर्टिलाइजर बुनियादी तौर पर एक यूरिया खाद बनाने का कारखाना है जो कराची के 600 किलोमीटर शमाल में ढहरकी शहर के करीब वाक़े है। हमारी सालाना पैदावारी सलाहियत 2275 किलो टन पर ईयर है, जो मुल्की जरूरियात का 38% है। यह प्लांट सनती मरकज में वाक़े है और फर्टिलाइजर कारखानों और पावर प्लांट से घिरा हुआ है। यह प्लांट जदीद तरीन तकनीकी सलाहियतों का शाहकार है और दुनिया की बेहतरीन सेफ्टी तकाजों के तहत चलाया जाता है, जिसका मकसद तमाम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। एंग्रो अपना बिजनेस इस अंदाज से चलाता है कि अपने मुलाजमीन, ठेकेदारान और काम से मुतालिक दीगर लोगों और करीबी आबादियों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस हदफ के हुसूल के लिए एंग्रो न सिर्फ मुनासिब ट्रेनिंग का बंदोबस्त करता है, बल्कि काम करने वाले अमले को वो तमाम जरूरी मुनासिब हिफाजती आलात मुहैया करता है, जो इनकी हिफाजत को यकीनी बना सकें। तमाम लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए हम अपने मामूलात को दुनिया के आला तरीन HSE सिस्टम के तहत चलाते हैं। हम पाकिस्तान की वो पहली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैं जो ड्यूपॉन्ट के सेफ्टी और हेल्थ सिस्टम के साथ हम आहंग है, और इस मैदान में ड्यूपॉन्ट के सेफ्टी ज़राए की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी के एजाज के हामिल हैं। इसके अलावा हम ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के माहौलियात के निजाम के तहत 4-स्टार लेवल पर काम कर रहे हैं। दीगर सर्टिफिकेशंस और वाबस्तगियों में ISO 14001, ISO 9001, SA 8000 बराए माशरती जवाबदेही, USAS 18001, WWF का ग्रीन ऑफिस और NPO का 5S स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी इदारों की जानिब से दिए जाने वाले अवार्ड भी HSE की जानिब हमारी भरपूर इस्तेकामत को सराहते नजर आते हैं। फैक्ट्री में दाखिले से पहले ये लाजमी है कि आप साइट के हिफाजती कवायद और यूरिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ केमिकल्स के बारे में मालूमात रखते हों। आपको अपनी हिफाजत के लिए दरकार ज़राए, तरीका हायकार और इकदामात से आगाही जरूरी है। यह वीडियो इसलिए बनाई गई है कि मुजव्वजा हिफाजती इकदामात आपके इल्म में लाए जा सकें, ताकि आप किसी हंगामी सूरत हाल में अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें। फैक्ट्री में पहली मर्तबा दाखिले से पहले आपको ये सेफ्टी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, और फिर इन मालूमात को अपने जहन में ताज़ा करने के लिए हर 6 माह बाद इसे दोबारा देखें। किसी हंगामी सूरत हाल में महफूज मकामात या असेंबली पॉइंट तक रसाई के लिए जरूरी है कि आप प्लांट के लेआउट और राबता सड़कों से वाकफियत रखते हों। इस मकसद के लिए हम आपको प्लांट के चारों अतराफ के मनाजिर दिखाने जा रहे हैं। गुजारिश है कि इन मनाजिर या कम से कम उन इलाकों को जहन नशीन कर लें जहां आपको जाना या काम करना है। अगर आप इन मनाजिर को दोबारा देखना चाहें तो इस तारुफी वीडियो के दौरान मौजूद एंग्रो के नुमाइंदे से कहें कि वो ये मंजर आपको दोबारा दिखा दे। प्लांट के शिमाल मशरिकी कोने की सम्प में मेन प्लांट एंट्री गेट और एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट मौजूद है।
प्लांट में दाखिल होने वाले तमाम अफराद का यहाँ इंदराज किया जाता है। इस मकसद के लिए आपको एक HCID शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे आप दाखिली दरवाजे पर लाजमी स्कैन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह प्लांट पर जाती लैपटॉप ले जाने से पहले चेक पोस्ट पर मौजूद लैपटॉप एंट्री फॉर्म पूर करके जरूर जमा कराएं। वापसी पर इस कार्ड को दोबारा स्कैन करके सिक्योरिटी के अमले के हवाले करना जरूर याद रखें। यूं ही आप प्लांट के गेट से दाखिल होंगे, आपको अपने बाई जानेब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग नजर आएगी। यहाँ एंग्रो का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का अमला बैठता है। जिस आदमी से आपको मिलना है, अगर वो इस इमारत में बैठता है तो आपको इस बिल्डिंग से आगे या किसी दूसरे इलाके में जाने की हरगिज़ जरूरत नहीं है। प्लांट की मशरकी सम्त में एक वर्कशॉप, SAP बिल्डिंग और एक वेयर हाउस मौजूद है। प्लांट की शिमाली सम्त में PM&S 1, 2 और 3 वाके हैं, जहां यूरिया को थैलों में भर के ट्रकों और रेलकारों के जरिए मुल्क भर में तरसील किया जाता है। प्लांट के शिमाल मगरबी कोने में एयरपोर्ट गेट वाके है, जो कि एक बड़ा असेंबली पॉइंट भी है। प्लांट नंबर 2, जिसमें अमोनिया 3, यूरिया 3 और यूटिलिटी 3 शामिल हैं, प्लांट की मगरबी सम्प में वाके हैं और इसी सम्प में आगे चल के 16 इवेपोरेशन तालाब मौजूद हैं, जो 270 मिलियन US गैलन पानी जखीरा करने की सलाहियत रखते हैं। प्लांट की मशरकी सम्प में N1 बिल्डिंग मौजूद है, जिसमें मैनेजमेंट, सेफ्टी और प्रोसेस इंजीनियरिंग के दफातर मौजूद हैं। N1 बिल्डिंग के बराबर में टेक्निकल बिल्डिंग है, जहां तमाम मेंटेनेंस का अमला बैठता है और इस टेक्निकल बिल्डिंग के मगरिब में अमोनिया 2 और यूटिलिटी यूनिट नंबर 2 मौजूद है। प्लांट के जुनूब मगरबी हिस्से में दोहरी दीवार का अमोनिया स्टोरेज टैंक मौजूद है, जिसमें मजमूई तौर पर 5000 मैट्रिक टन अमोनिया स्टोर किया जा सकता है। इस टैंक के अतराफ में डाइक मौजूद है, ताकि किसी भी नागहानी लीकेज को महदूद किया जा सके। यूरिया 2, यूरिया 1 और यूटिलिटी 1 प्लांट के मरकज में वाके हैं, जबकि तमाम प्लांट और कॉलोनी के लिए पावर जनरेशन प्लांट यूटिलिटी नंबर 1 पर वाके है। यूरिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स लीक होने की सूरत में इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनिया गैस की ज्यादा मकदार में लीकेज, जो एक सफेद बादल की शक्ल में होती है, आंखों और गले पर शिद्दत से असरअंदाज होकर सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर सकती है। एंग्रो मुलाजमीन को चाहिए हर काम से पहले आपको इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करें और साथ ही फरार के रास्तों से भी आगाह करें। ये तमाम मालूमात आपको हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर वहां पहुंचाई जा रही हैं, वरना एंग्रो में मौजूद सेफ्टी प्रोसीजर्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अमोनिया या कोई दीगर केमिकल कभी लीक न हो सके। लीकेज के अलावा मुख्तलिफ गैस और केमिकल्स की सप्लाई के साथ साथ आग लगने के खतरा भी मौजूद हैं, जो बआसानी भारी नुकसानात का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड गैसें भी इस्तेमाल होती हैं, जो तबाहकुन असरात की हामिल हो सकती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ आलात पर इंतहाई शदीद दर्जे हरारत भी पाया जाता है। कुछ आलात जैसे फर्नेस 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करती है, जबकि कुछ वेसल्स जिनमें सयाल अमोनिया या नाइट्रोजन होती है -32 डिग्री सेंटीग्रेड और -180 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं। यूटिलिटीज यूनिट में पानी को मुसफ़ा करने के कामों में तेजाब और कॉस्टिक भी इस्तेमाल होते हैं, जो जिस्म से रास्ते में आने पर शदीद जख्मों का बायस बन सकते हैं। मुमकिन इमरजेंसियों को 2 बड़े दर्जों में तकसीम किया गया है। लेवल 1 वो इमरजेंसी है जिसके असरात प्लांट की हदूद के अंदर महदूद रहते हैं। लेवल 1 इमरजेंसी के लिए खतरे का अलार्म 3 सेकंड ऊंची और 3 सेकंड नीची आवाज में 3 मिनट के मजमूई दौरानिए के लिए बजाया जाता है। इमरजेंसी की दूसरी किस्म इमरजेंसी लेवल 2 कहलाती है। ये वो इमरजेंसियां हैं जिनके असरात प्लांट की हदूद से बाहर भी जा सकते हैं। लेवल 2 इमरजेंसी में खतरे का अलार्म 15 सेकंड ऊंची और 15 सेकंड नीची आवाज में मजमूई तौर पर 3 मिनट के लिए बजाया जाता है। इसकी बड़ी मिसाल अमोनिया गैस की लीकेज है। जैसा कि पहले बयान किया गया कि यहाँ खाम माल यानी कुदरती गैस और अमोनिया हाई प्रेशर पर इस्तेमाल की जाती है, इन केमिकल्स के हादसाती अखराज की सूरत में इनसे बचाव का सिर्फ ये तरीका है कि आप इनके रास्ते से हट जाएं।
इस मकसद के लिए एंग्रो ने एक हमागीर इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर वजा किया है। असेंबली पॉइंट इस प्रोग्राम का इंतहाई अहम हिस्सा है। तीन बड़े असेंबली पॉइंट प्लांट के तीन मुख्तलिफ कोनों में वाक़े हैं, यानी मेन प्लांट एंट्री गेट पर, एयर स्ट्रिप गेट पर और PM&S 3 पर। 10 लोकल असेंबली पॉइंट्स और हैं जो प्लांट कैंटीन, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, वर्कशॉप, SAP बिल्डिंग, वेयरहाउस, लेबोरेटरी, टेक्निकल बिल्डिंग, एनवन बिल्डिंग, ट्रेनिंग बिल्डिंग और CCR हैं। एमरजेंसी रिस्पांस की तस्वीर कशी के लिए हम तसव्वुर करते हैं कि अमोनिया स्टोरेज टैंक से अमोनिया गैस खारिज होती है और बादल की शक्ल में रास्ते के साथ साथ चलती है। जो ही इस लीकेज का पता चले, एंग्रो मुलाजमीन हंगामी सायरन बजा देंगे। सायरन की आवाज सुनने पर अगर आप खुले में कोई काम सर अंजाम दे रहे हैं तो काम को हिफाजत से रोक दें। मिसाल के तौर पर सिलेंडर्स के वेल्व को बंद कर दें। अगर आपको अमोनिया की इजाफी बू महसूस हो तो फौरन अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। काम को बाहिफाजत बंद करने के बाद आवेजा किए गए विंड सॉक्स की मदद से हवा का रुख मालूम करें। इसके बाद हवा की मुखालिफ सम्प में चलना शुरू कर दें। ऐसे में कभी लिफ्ट इस्तेमाल मत करें क्योंकि बिजली फेल हो जाने की सूरत में आपके फंस जाने का खदशा है। इसके बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। अगर हंगामी सूरत हाल के दौरान आप फैसला न कर पाए कि आपको क्या करना चाहिए तो किसी भी करीबी एंग्रो के मुलाजिम से रहनुमाई तलब करें। अगर आप किसी लोकल असेंबली पॉइंट बिल्डिंग में मौजूद हैं तो बाहर जाने की बजाय बिल्डिंग में मौजूद मुतय्यन जगहों की तरफ चले जाएं, जिन्हें लोकल असेंबली पॉइंट कहा जाता है। अपने कार्डों को दाखिले के स्कैनर्स पर स्कैन करें। यहां बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर्स आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। अपने मुलाजमीन, ठेकेदारान, इमरजेंसी रद्द अमल के दस्ते और आलात की जांच के लिए प्लांट पर दो तरह की मशकों का इनेकाद किया जाता है। इनमें से एक हफ्तावार ड्रिल है जो हर जुमेरात को दोपहर 2:30 बजे सायरन बजाकर की जाती है। आपको इन सायरन्स पर तवज्जो दिए बगैर अपना काम जारी रखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी स्क्वाड और आलात की कारकर्दगी जाँचने वालों के लिए की जाती है। दूसरी मशकें हर 3 महीने बाद एक मरतबा की जाती हैं, जो 3 महीने के दौरान किसी भी वक्त अचानक करवाई जा सकती हैं। इन सैमाही मशकों के दौरान हर फर्द वाहिद को पहले से बताए गए अपने मतलूबा किरदार के मुताबिक इकदामात उठाना होंगे, जो मरकजी सेंट्रल ड्राइव में रखे गए सुर्ख रंग के इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनुअल में भी दर्ज हैं। मजीद बरां इनकी हार्ड कॉपियाँ प्लांट की तमाम इमारतों में तयशुदा मकामात पर मौजूद होती हैं। ये सैमाही मशकें ऑल क्लियर सायरन की आवाज से पहचानी जा सकती है और इस सूरत में आप पर अपने तयशुदा मतलूबा हिफाजती किरदार की अदायगी लाजमी है। हंगामी सूरत हाल में आपके प्लांट से दूर जाते वक्त एंग्रो का हंगामी दस्ता इखराज को रोककर इमरजेंसी से मुकाबले के लिए पानी और जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल कर रहा होगा। एंग्रो में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी सहूलियात, आलात, गाड़ियां और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है, जिसका मवाजना दुनिया भर के आला तरीन केमिकल प्लांट्स की हंगामी सहूलियात से किया जा सकता है। इन सहूलियात में एम्बुलेंस, फायर ट्रक, आग बुझाने का पानी और फायर फाइटिंग के जदीद तरीन आलात शामिल हैं। हंगामी सूरत हाल खत्म होते ही ऑल क्लियर का सायरन बजाया जाएगा, जो आप पस मंजर में सुन सकते हैं। तमाम अमले को चाहिए कि अपने काम की जगह पर जाते हुए नए वर्क परमिट जारी करवाए। प्लांट की तमाम जगहों पर मुख्तलिफ तरह के हिफाजती आलात मुहैया किए गए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स से आप अपना बचाव कर सकते हैं। इनमें से एक इंतहाई अहम हिफाजती आला सेफ्टी शावर है। किसी खतरनाक केमिकल की जद में आने पर आप अपने जिस्म और आंखों को सेफ्टी शावर की मदद से धोकर साफ कर सकते हैं। निचला लीवर दबाएं और अपनी आंखों को 15 से 20 मिनट तक पानी से धोएं। जिस्म को धोने के लिए शावर पर लगे दस्ती लीवर को खींचें। यकीनी बनाएं कि आप अपने जिस्म को साफ करने के लिए कम अज कम 15 से 20 मिनट तक शावर के नीचे मौजूद रहें। एंग्रो ने अपने तमाम प्लांट्स और दफ्तरों में आफाकी नौयत के हिफाजती कवायद लागू किए हैं। इन कवायद की पाबंदी एंग्रो में काम करने की शर्त अवलीन है। इन कवायद से रूगरदानी पर
आपको सजा दी जा सकती है या फैक्ट्री से बर्खास्त किया जा सकता है। यह कवायद बिला तख्सीस तमाम लोगों पर लागू हैं। प्लांट के अंदर काम करने की जगहों पर ढीले कपड़े पहनना मना है, क्योंकि ये मशीनों में फंसकर खतरनाक हादसात का सबब बन सकते हैं। कमीसों को पतलून के अंदर रखें, आस्तीनों के बटन बंद रखें और आधे बाजू की कमीज हरगिज ना पहनें। सिवाय मुकर्रा जगहों के प्लांट पर सिगरेट नोशी सख्ती से मना है। एशट्रे के अंदर कोई भी आतिशगीर अशिया जैसे दस्ताने या कपड़े वगैरह मत फेंकें कि ये आतिशजदगी का बायस बन सकते हैं। ऐसी चीजों को मुकर्रा कूड़ेदानों में डालें। प्लांट के अंदर मोबाइल ले जाना मना है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसे गेट ऑफिस पर जमा करा दें और वापसी पर दोबारा हासिल कर लें। इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आपका मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है। प्लांट पर कोई भी काम सर अंजाम देने से पहले आपको एंग्रो के मजाज आदमी से वर्क परमिट हासिल करना जरूरी है। एंग्रो में हादसात की रोकथाम के हवाले से ये इंतहाई अहम प्रोसीजरों में से एक है। इस प्रोसीजर से कोई भी रूगरदानी सेफ्टी इंसिडेंट के जुमरे में आएगी और इससे कंपनी पॉलिसियों के मुताबिक निपटा जाएगा। ईफर्ट मुलाजमीन किसी भी जॉब के लिए वर्क परमिट हासिल करेंगे और उसे काम की जगह वाज़े तौर पर आवेजा करेंगे। सिर्फ वर्क परमिट को आवेजा करने के बाद ही आप काम शुरू कर सकते हैं। प्लांट बैटरी हदूद के अंदर बगैर वर्क परमिट के फोटोग्राफी करना मना है। ऊंचाई पर काम करने के लिए किसी भी स्कैफोल्डिंग को इस्तेमाल करने से पहले इस पर लगे टैग को चेक करें। टैग तीन तरह के होते हैं। सुर्ख टैग का मतलब है कि इस स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल ममनू है। सब्ज टैग का मतलब यह है कि आप इस स्कैफोल्ड पर बगैर सेफ्टी हार्नेस के काम कर सकते हैं। जर्द टैग का मतलब यह है कि आप इस स्कैफोल्ड पर मुनासिब सेफ्टी हार्नेस पहनकर काम कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग के ढांचे को नस्ब करते वक्त पूरे जिस्म का सेफ्टी हार्नेस पहनना लाजमी है। हार्नेस को किसी मुनासिब जगह पर बंधा होना चाहिए। ऊंचाइयों पर पूरे जिस्म का हार्नेस या हुकअप्स पहने बगैर काम करना सेफ्टी इंसिडेंट के जुमरे में शुमार किया जाता है। हाथों में चीजें पकड़कर सीढ़ियां चढ़ना और उतरना सख्ती से ममनू है। बराए मेहरबानी ऊंचे प्लेटफॉर्म और स्कैफोल्डिंग ढांचे पर औजार मुंतकिल करने के मुनासिब तरीके इख्तियार करें। कार में सफर के दौरान अगली सीटों पर सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। सरकारी सफर के दौरान पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। इसी तरह मोटरसाइकिल चलाते वक्त क्रैश हेलमेट पहनना लाजमी है। प्लांट के इलाके में ट्रैफिक के लिए सड़कों का जाल बिछाया गया है। पैदल चलने वालों को सड़कों पर चलते हुए मोहतात रहना चाहिए और मेन रोड्स पर अपनी दाई जानब जर्द निशान जदा हिस्से के अंदर चलना चाहिए। सड़कों पर पैदल चलते हुए आपको हेलमेट, हिफाजती चश्मे और ईयर प्लग्स पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी ऑपरेटिंग एरिया में दाखिल होते हुए आपको ये PPEs पहन लेने चाहिए। कारों के लिए प्लांट और कॉलोनी की हदूद में हद रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि प्लांट और कॉलोनी की राबता सड़कों पर हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा है। इसी तरह ट्रकों, फोर्कलिफ्टरों और क्रेनों के लिए हद रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा है। बंद सड़कों पर सिवाय खुसूसी इजाजत याफ्ता गाड़ियों के दीगर गाड़ियों का दाखला ममनू है। CNG गाड़ियों का प्लांट पर दाखला ममनू है और उन्हें मुकर्रर करदा जगह तक महदूद रहना चाहिए। सिर्फ वो खवातीन और हजरात और बच्चे जो हाजिर ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल हों और HSE ईफर्ट टेस्ट पास कर चुके हों, बिलतरतीब कॉलोनी और प्लांट की हदूद में गाड़ियां चलाने के मजाज हैं। बच्चों को गोद में बिठाकर गाड़ी चलाना सख्ती से मना है। तमाम पार्किंग्स में गाड़ियों को रिवर्स पोजीशन में पार्क करना लाजमी है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन और हैंड फ्री का इस्तेमाल सख्ती से ममनू है। तमाम हादसात का रिकॉर्ड रखा जाता है और तफ्तीश की जाती है ताकि दोबारा ऐसे वाकयात से बचा जा सके। इसके लिए जरूरी है कि आप तमाम हादसात की इत्तला एंग्रो मुलाजमीन को दें। किसी के जख्मी होने की सूरत में फौरन एंग्रो मुलाजमीन को मुतला करें ताकि जख्मी को फिलफौर तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। इस तरह की रिपोर्ट करने के लिए आपको इन टेलीफोन नंबर्स को लाजमी याद रखना चाहिए। क्लिनिक 2000, फायर ब्रिगेड 3400, प्लांट चेक पोस्ट 3400।
3500। हमेशा सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए हैंड रेल का सहारा लें। मॉन्की लैडर पर एक वक्त में सिर्फ एक आदमी को चढ़ने की इजाजत है। मॉन्की लैडर पर चढ़ने और उतरने से पहले तसल्ली कर लें कि कहीं कोई दूसरा आदमी जो सीढ़ी पर मौजूद नहीं है। प्लांट बैटरी हुदूद में हाथ का मजाक और छेड़छाड़ सख्ती से मना है, क्योंकि इसके नतीजे में हादसे का एहतमाल है। कोई भी जॉब शुरू करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने जॉब के लिहाज से मतलूबा तमाम PPEs पहने हुए हों। प्लांट पर आप सिर्फ वो काम सर अंजाम देंगे जो आपके जिम्मे लगाया गया हो। आपको किसी भी वेल्व, बटन या मशीन को चलाने की इजाजत नहीं है। कपड़े साफ करने के लिए प्लांट एयर का इस्तेमाल सख्ती से मना है, ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको किसी ऐसे एरिया में दाखिले की इजाजत नहीं है जहां गैर मजाज अफराद का दाखिला ममनू हो। काम की ऐसी तमाम जगहें जहां सिर्फ मजाज लोगों को जाने की इजाजत हो, उन्हें मुनासिब अंदाज में कॉटन ऑफ होना चाहिए। प्लांट और दफातर की हुदूद में हथियार, अल्कोहल मशरूबात, नशावर अद्वियात और गैर कानूनी दवाएं ले जाने की इजाजत नहीं है। कंपनी इमलाक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना सख्ती से मना है। तमाम मुनकता किए जाने वाले आलात पर लॉकआउट, टैगआउट और ट्राई प्रोसीजर्स का इतलाक लाजमी है। बगैर तहरीरी इजाजत नामे के सेफ्टी और सिक्योरिटी के हसास आलात को गैर फ़ाल बनाना सख्ती से मना है। प्लांट पर दस्ताने पहने बगैर कोई भी काम करना मना है। बारिश और तूफान की सूरत में बराए मेहरबानी कारों के शेड्स और हर तरह के आर्जी ढांचों से दूर रहें और कोशिश करें कि पक्की इमारतों के अंदर चले जाएं। किसी भी ऑपरेटिंग एरिया में दाखिल होते वक्त अमोनिया मास्क हमरा रखना लाजमी है। कॉलोनी के रहायशियों को मुतला किया जाता है कि वो हंगामी सूरत हाल के दौरान पहले से दी गई हिदायत के मुताबिक किरदार अदा करें। अगर आपको मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज कॉलोनी में हंगामी सायरन सुनाई दे और आप किसी खुली जगह पर हों, तो अपने करीब तरीन घर या नजदीकी असेंबली पॉइंट की तरफ चले जाएं। अगर आप अपनी रहायशगाह के अंदर मौजूद हों तो अंदर ही रहें और तमाम खुली खिड़कियां, दरवाजे और चलते हुए एग्जॉस्ट फैन बंद कर दें। अगर आप कमरे के अंदर अमोनिया की बू महसूस करें तो तौलिया गीला करके मुंह पर रखें और उसमें सांस लें। आइए हम सब मिलकर एंग्रो को एक महफूज जगह बनाएं।